मार रही हैं। आप सबको डार एजुकेशन के सी शार्प ट्यूटोरियल के सेशन नंबर 17 आई थे के इसमें आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस सेशन के अंदर हमने ये देखना है कि किस तरीके से हम प्रोग्रेस बार को अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बना सकते हैं। प्रोग्रेस बार की अहमियत ये है कि जब आप किसी चीज़ को कनेक्टिविटी दे रहे हो तो यूजर्स को ये दिखाने के लिए कि डाटा कितनी देर में प्रोसेस हो रहा है, इस चीज़ को मैंशन करने के लिए वो यूज़ द प्रोग्रेस बार। सो वंस अगेन हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ वापस आते हैं जिसकी कोई शक्ल व शबाहत आपको पता ही है कि किस तरीके से उस पर हम काम कर रहे हैं। सो फॉर्म 1.cs डिज़ाइन पे आ जाएं। आपने जो पहला लॉगिन का बनाया हुआ था, आप इसमें आने के बाद टूल बॉक्स में आएँ। टूल बॉक्स में आने के बाद आप यहाँ पे सर्च करवा लीजिए प्रोग्रेस बार के नाम से। आप इस पर क्लिक कीजिए, ये प्रोग्रेस बार आ जाएगा। इसको आपने जिस तरह की शेप देनी हो, जितना लंबा या आपने इसको स्मॉल रखना है वो आप कर लीजिए। ये करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही प्रोग्रेस बार 1 ले चुका हूँ। दूसरा काम आपने ये करना है क्योंकि इसका लिंक आपका डायरेक्ट टाइमर के साथ होता है, तो यहाँ पे आपको पिछले दफ़ा भी हमने टाइमर यूज़ करना आपको बताया था तो वो लाइव टाइम लेके आना था। अब हम टाइमर के जरिए हम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका टाइमर आ चुका है। मैंने क्योंकि एक ही टाइमर यूज़ करना है तो इसलिए मैं एक ही टाइमर के ऊपर कर रहा हूँ। ये टाइमर 1 पे आप क्लिक करेंगे, इसके पीछे आपने सिर्फ एक लाइन की कोडिंग लिखनी है और वो ये है कि दिस डॉट प्रोग्रेस बार 1.increment, और इंक्रीमेंट के अंदर आपने वो नंबर देना है जिस स्पीड से आप इंटरवल लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको 5 दे सकते हैं। अगर आप वापस आके इसके डिज़ाइन में देखें और इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर, तो यहाँ पर आपको इंटरवल नज़र आ रहा होगा, ये 100 इंटरवल्स हैं। इसका मतलब है कि आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन कि आपने कितना लेना है। अब अगर हम इसको चलाते हैं तो हम इसको देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम। इसे आपको पता है कि अगर आपने पिछले नहीं पढ़े हुए लेक्चर्स तो लाजमन आप पिछले लेक्चर्स को फॉलो कीजिए क्योंकि इसके बगैर आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। और ये प्रोग्रामिंग मैंने लॉगिन के बटन के पीछे लगाई हुई है, इसलिए आप देखेंगे कि जैसे ये होता है ऑथेंटिकेटेड यूजर करने के बाद आप देखेंगे कि ये प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। इस तरीके से आप अपनी अपनी एप्लीकेशन के अंदर आप प्रोग्रेस बार को यूज कर सकते हैं। इसका फायदा ये था कि अगर मैंने ओके किया हुआ है, अगर वो 100 टाइम्स हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली ओके का मैसेज खत्म होकर आपको एप्लीकेशन के अंदर लेके भी जा सकता है। ये आपका काम है कि आपने किस तरीके से उसकी वैल्यूज को जज करके आपने काम परफॉर्म करना है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्रेस बार का सेशन पसंद आया होगा। आपको अगर कोई क्यूरीज हैं तो आप इसमें कॉन्टैक्ट अस में हमें रब्ता कर सकते हैं। आपको ये ट्यूटोरियल्स जो हैं ये कोर्सेज के अंदर वीडियो ट्यूटोरियल्स में सी शार्प के जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो अवेलेबल होंगे यहाँ पर, और अब ये ट्यूटोरियल्स आपको बगैर प्रॉक्सी के भी अवेलेबल होंगे, आप इनको चला के रन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपको क्वेरीज हो तो आप इसमें हमें बताइएगा।